के एक आलिशान दरगाह में, ये दरगाह ऐसी है जहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी होती है, लेकिन आज जो मसला आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से जो मसला चल रहा है, अजान जरूरी है, हनुमान चालीसा जरूरी है, तो हमारे साथ भी वो शख्स है जो इस बारे में जानकारी देंगे और वो ऑथराइज पर्सन है। मौलाना जी, आपका स्वागत है मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल में। तो देखिए, महीना भर से आप सुन रहे हो, आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि अजान और हनुमान चालीसा का जो विवाद चल रहा है, आपकी भूमिका इस पे क्या है? साहब, ऐसा है कि हम लोग कोर्ट के आधार पर जो कोर्ट का कानून है उसका, और हमारे जो पुलिस चौकी के जो साहब, बड़े साहब हैं, उनके मुताबिक हम लोग अमल कर रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा है उसके आधार पर चलते हैं, और हम लोग जो वक्त पे जो है अजान जो देते हैं वो बिल्कुल जो है यानी कि हल्की सी आवाज़ में, जो सिर्फ ग्रहण के ग्रहण में लोगों को समझ में आए उतनी में उतने ही पर हम लोग अजान देते हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा है नहीं, सब लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं, और सारे समाज के लोग इस दरगाह शरीफ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, हम लोग सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छे तरीके से दर्शन कराते हैं, और हम लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है जो भेदभाव कुछ किसी किस्म की। जी सर, आप कह रहे हो कि भेदभाव की बात नहीं, आपने कहा कि आप कानून के दायरे में काम करते हो, आपने कहा कि आपका अजान का जो आवाज़ होता है वो भी छोटा होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि अन्य धर्म के जो लोग हैं इसको मुद्दा बनाते हैं? सर, ऐसा है कि हर एक का अपना अपना नज़रिया है, ख्यालात है, लेकिन हम लोगों का, मुसलमानों का ये ख़ास ये रवैया रहा है और ये उनका सलूक रहा है कि सारे धर्मों के साथ अच्छा सलूक करना, चाहे वो कुछ भी करें हमें उसे कोई ये एतराज़ नहीं है, वो उनका मामला है, लेकिन हम लोग सबको लेके चलते हैं। ये आखिरी सवाल, मुझे भी पता है कि आप थोड़े ज़्यादा व्यस्त हो, लेकिन आपके अजान का जो आवाज़ है ये पहले से कम था, या जो राज ठाकरे या मनसे के बाद जो आंदोलन हुआ उसके बाद ये आवाज़ कम किया गया? सर, ऐसा है कि ये आवाज़ जो है ना, हम लोग जैसे कि 2005 में जो कोर्ट का आधार था, जो उन्होंने, हम उसके मुताबिक ही अमल कर रहे हैं, उसी के मुताबिक, उसी के कानून के आधार पे चलते हैं। तो देखिए मौलाना जी, साफ कहना है कि हम जो कानून का आधार है वही हम फॉलो करेंगे, और उसी हिसाब से जो जितनी ज़रूरी है उतने ही डेसिबल की मात्रा में हम आवाज़ सुनाते हैं, और यहाँ पे हम भी शांति चाहते हैं, जहाँ पे सारे धर्म के लोग आते हैं, और इनका कहना यही है कि शांति बना रखे। मैं सुनील जोटिंग है मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए। सवाल तो उठे।